जय जगन्नाथ मैम सर, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ सर। आज मैं जो गाना गाने जा रही हूँ वो, और जो श्लोक गाने जा रही हूँ वो, तब गाया जाता है जब जगन्नाथ जी को सुबह उठाया जाता है, तो वो मैं आज सबके सामने पेश करना चाहूँगी। चंदा ना लागे, गोठा वो गाखिया,
सुपर्ब, बहुत अद्भुत आपने गाया और अभिनंदन की पात्र हैं आप। और क्योंकि किसी भी सुर का सुख ही तब है जब आपके कानों को सुख मिले, तो आपने हमारे कान के माध्यम से, आपके गान ने हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में आनंद की सृष्टि की है, तो बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। और हमारे महागुरु पद्मश्री कैलाश खेर जी। बर्नाली देखो, गाना तो आपका बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्कृष्ट है। मेरे प्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ का आप पर साक्षात वरदान है। हमारी बर्नाली ने जिस प्रकार से ओडिशा का प्रतिनिधित्व यहाँ 25 हफ्तों से निभाया है, उसके लिए मैं शंखनाद देना चाहता हूँ। अरे वाह, इतिहास में पहली बार में भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश है, खुलने को तैयार मेरे भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। बर्नाली, यू आर अ मॉडर्न फोक रॉक स्टार। और आज हम सबके बीच में जो है बर्नाली की गुरु माँ है सुचिता भट्टाचार्य, उनसे पूछते हैं। आइए प्लीज, जोरदार तालियां हो जाएं। इतिहास में पहली बार में भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। ये मेरी गुरु माँ है, इनका नाम है सुचिता भट्टाचार्य और मैं इनसे सीख रही हूँ लास्ट 6-7 सालों से। और गुरु माँ इसलिए बुला रही हूँ क्योंकि गुरु तो है ही, बट जब मुझे प्यार मिला है उनसे, वो मेरी माँ की तरह ही हैं। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने। और इनफैक्ट हम सभी तो स्टूडेंट्स है ना। मेरे गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी ने मुझे बताया, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे जितना हो पाए मैं आप सबको बताऊँ और सब मिलके सीखे, है ना। आपने बहुत अच्छा गाया और रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ज़ोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। वो स्वर्ण कलश आपका होगा कि नहीं होगा, ये तो आओ जरा कैमरे में। टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज हैव अ सीट। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। वाओ, जोरदार तालियां हो जाए ग्रैंड फिनाले के लिए। वाओ, सच अ लवली वाइब। ओके, और इसी के साथ हम बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को। और हाँ भाई, क्या क्या चाहती हैं आप? अब देखिए, एंकरिंग आज मैं करूंगी। हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं करूंगी, ये करेगा, ऐसे नहीं बोला मैंने। ए, चुप। हाँ, तो चलते हैं उधर। आओ बताइए, जो खुद ही एंकर पे लटकी हुई है वो आ जाए। इसका बदला जरूर लूंगी मैं, है ना। देखिए कैसा है, कैलाश जी ने हमें समझौता करने का है कि कुछ मैं करूं कुछ तुम करो, लेकिन क्या है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरी टीचर हो और गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए, गुरु का सम्मान भी होना चाहिए, लेकिन क्या है, एक मिनट, इस मंच का सीनियर मैं हूं। मैं पिछले 6 महीने से इस एपिसोड्स को होस्ट कर रहा हूं, तो हक मेरा बनता मैं अगले कंटेस्टेंट को बुलाऊंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुझे यहाँ किसने बुलाया, ऐसा तुझमें क्या है जो मुझमें नहीं है, बताइए साहब। टैलेंट। एक लास्ट, एक लास्ट, एंटरटेनमेंट। इसी अफसोस अवसर पर, अफसोस अफसोस अवसर ने तूने 3 मैजिकल वर्ड्स कहना चाहूंगी। बोलो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलो। भाड़ने जा। एना, एना ऐसे नहीं बोलना है, वो हमारे रिस्पेक्टेड एंकर हैं जी। प्रीतम, मैं आपके लिए 4 शब्द बोलना चाहता हूँ। आप ही सच बोलते हैं कैलाश। बस बोल दूं? बिल्कुल कैलाश जी। पगला गए हो का?
देखिए क्या है कैलाश जी, जो तीन है शब्द, चार शब्द है, इनका सबके लिए अलग अलग मतलब है, लेकिन यहाँ पर हमारे शो पर भारत का अमृत कलश में, यहाँ इस मंच पर, ये सिर्फ दो ही मैजिकल वर्ड्स हैं। आप जानना चाहेंगे वो दो मैजिकल वर्ड्स क्या हैं? सो ऑडियंस तैयार हो वो दो मैजिकल वर्ड्स के लिए? तो ये तो जग जाहिर बात है कि वो दो मैजिकल वर्ड्स हैं क्या। सो ऑडियंस ऑन द काउंट ऑफ थ्री, ठीक है, 3, 2, 1, अरी बोली। चुप कर, चुप चुप हो जा, चुप हो जा। सो फिर प्लीज वेलकम आर वेरी ओन लवली गॉर्जियस हमारी अड़िपोली गुरु गायत्री अशोकन। जोरदार तालियां। सैया मोरा गए परदेस, सैया मोरा गए परदेस, सैया मोरा गए परदेस। खोज खबर नहीं कोई संदेश, सैया परदेस, सैया मोरा गए परदेस। खोज खबर नहीं कोई संदेश, सैया मोरा गए परदेस। गायत्री जी बहुत कमाल की कॉम्पोजिशन थी, बहुत मज़ा आया। गायत्री जी आपका सफ़र क्या कहेंगे? ये बस कहना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत ग्रैटिट्यूड से इधर जी खड़ी हूँ। साउथ में तो बहुत सारे रियलिटी शोज़ मैंने जज किया है, अलग सा तजुर्बा है, लेकिन इधर का जो एक्सपीरियंस है, I think Mumbai and this crew is the happiest crew I've seen. Whoa! पहले दिन थोड़ा टेंशन था जी। एक साउथ इंडियन आ रही है सेट में, वो थोड़ा डर के मैं आई थी, लेकिन ऐसा कंफर्टेबल महसूस किया इधर आके, जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर्म्थ। आई गॉट टू वर्क विद अ लेजेंड लाइक कैलाश सर एंड हिज एंटायर टीम, यू नो आई वॉन्ट टू thank everyone in the team, my darling co-judges, my partners in crime
and Preetam and Anna and Vignesh and all the wonderful participants. I'm so proud of all of you. क्योंकि आप सबका एवोल्यूशन हमने देखा है, ऐसे ब्लॉसम करके आए हैं एज इंडिविजुअल्स, एज आर्टिस्ट. तो आज इफ आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन एनीबॉडी, प्लीज़ फॉरगिव मी. दिल से सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो कैलाश जी, आपकी जर्नी के लिए अड़ी पौड़ी. वाह. और हमारे जो प्यारे, जो खूबसूरत जजेस बैठे हैं, हमारे गुरु स्नेहा जी, लवली देवो सर, इतना अच्छा गाने के बाद सीधा जितना और अगर रहता मार्क्स तो ऐसे उठाता. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद.